हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 9 ऑफ हनी कॉम बुक। दिस इज़ योर हनी कॉम बुक एंड चैप्टर नंबर 9। द चैप्टर इज अ बाइसाइकिल इन अ गुड रिपेयर। देखिए, चैप्टर एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग लेके मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी छोटी सी एक समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाइसाइकिल राइड, अगर आपको ऐसा लगे कि यार कभी आपको इच्छा हो कि लंबी बाइसाइकिल राइड अगर आप करें, द बाइसाइकिल शुड बी इन अ गुड कंडीशन। तो जो बाइसाइकिल है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, मतलब जो एक्सपर्ट मैकेनिक है वो उसको बिल्कुल चेक करे, ओवरहॉल करे। बट वॉट हैपन इफ द मशीन हैज़ अ विल इट्स ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। मतलब क्या हो तो मशीन जो है वो चले ही नहीं अपनी मर्जी से, लेकिन मैकेनिक जो है वो नहीं जानता हो, मैकेनिक जानता हो उसके कुछ नहीं जानता हो। अगले दिन चैप्टर पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ बाइसाइकिल इन अ गुड रिपेयर। A man no proposed one evening, we should go for a long bicycle ride together in on the following day. I agreed. मेरे एक परिचित साथी ने एक शाम सुझाव ये दिया कि हम लोग अगले दिन साथ साथ साइकिल की लंबी यात्रा करें और मैं सहमत हो गया। I got up early for me. I made an effort and with pleased with myself. मैं अगली सुबह जल्दी उठा, मैंने प्रयास किया और संतोष यानी कि रिलैक्स महसूस किया। साथी आधा घंटा लेट आया। आई वॉज गेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका इंतज़ार करा बगीचे में। इट वॉज अ लवली डे, दिन जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ही सैड दैट्स गुड लुकिंग मैकेनिक मशीन ऑफ योर्स, तुम्हारी साइकिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चलती कैसे है? हाउ डज इट रन? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड। ओ ज़्यादातर साइकिलें ऐसी ही चलती हैं, ईजिली इनफ इन मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टफली आफ्टर लंच। मैंने आंसर दिया, सुबह आसानी से चलती है और दोपहर में कुछ भारी हो जाती है। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोर्क एंड शॉक इट वॉलेंटली। साथी ने साइकिल को अगले पहिए से और चिमटे से उठाया और उसे जोर से हिलाया। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मैंने कहा मत करो, तुम तो साइकिल को खराब कर दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह साइकिल के हिलाने की क्या ज़रूरत थी। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, जब यह साइकिल ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया था। बिसाइड इफ इट वॉन्टेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू टे शेक इट, इसके अलावा यदि साइकिल को झटका देने की ज़रूरत थी तो यह काम मेरा भी था। आई वॉज प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, आई फेल्ट मच आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। तो मैंने ऐसा महसूस किया मानो उसने मेरे कुत्ते को चोट पहुंचाई हो। ही सैड दिस फ्रंट व्हील्स वॉबल्स, वह बोला साइकिल के अगले पहिए में लचक है। आई सैड इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, इट डोंट वॉबल एज मैटर एज फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। मैंने बोला यदि तुम इसे झटके ना दो तो यह डगमगाएगा नहीं, दरअसल पहिए में कोई खराबी नहीं थी, इसे लचक कहा जाए। ही सैड हैव यू गॉट अ हैमर, उसने बोला क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. ठीक है ना, तो उसने बोला
वह खतरे में है, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ी है? मुझे दृढ़ता से इनकार कर देना चाहिए था, पर मैंने सोचा शायद उसे साइकिल की मरम्मत करनी होगी। मैं औजारों वाली आई वेंट टू द टूल्स शेड टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। मैं औजारों वाली कोठरी में गया कि शायद मुझे कुछ मिल जाए। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं लौटा तो वह जमीन पर बैठा था, अगले पहिए उसने अपनी टांगों के बीच दबाए रखा था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, ट्वेंडलिंग इट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। वह उससे खिलवाड़ कर रहा था, उसे अपनी उंगलियों से हल्का हल्का घुमा रहा था। द रिमेंट ऑफ मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। साइकिल का अगला भाग उसके बगल में पथरीले मार्ग पर पड़ा था। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। वह बोला, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बॉल बेयरिंग बिल्कुल खराब हो गई है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। मैंने कहा, इस बारे में तुम्हें कोई कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम थक जाओगे, चलो इस पहिए को फिर से जोड़कर हमें रवाना होना चाहिए। ही सैड वी मे एज वेल सी वॉट इज द मैटर विद इट। वह बोला, इसमें क्या खराबी है, उसे ही देख लें। नाउ इट इज आउट, ही टॉक्ड एज दॉट थो दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। क्योंकि अब तो पहिया बाहर निकल ही गया आया है, वह इस प्रकार से बोला मानो पहिया संयोग से बाहर ही निकल आया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। इससे पूर्व कि मैं उसे रोक सकूं, वह कुछ पेच खोल चुका था और रास्ते पर कोई दर्जन भर लोहे के छोटे छुर्रे लुढ़क गए। कैच हिम, ही शाउटेड कैच हिम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। उन्हें पकड़ो, वह चीखा, उन्हें पकड़ो, उनमें से कोई भी खोना नहीं चाहिए। वह उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वी ग्रोवल्ड अराउंड फॉर द हाफ एन आवर। हम दोनों घुटने के बल बैठकर आधा घंटे तक छर्रों को खोजते रहे। फाउंड 16 छर्रे हमें मिल चुके थे। ही सैड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, बिकॉज इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। सभी छर्रे मिल गए क्योंकि अन्यथा इनके बिना साइकिल में गंभीर खराबी आ जाती। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, इट वॉज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट। मैंने उन्हें सुरक्षित रखने हेतु अपने हैट में डाल लिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह कोई सही काम नहीं किया देखिए ये चैप्टर यहाँ पर तो अभी आधा हो गया है, लेकिन मैं इस चैप्टर को अभी और आगे पढ़ने वाला हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। ही देन सैड दैट वाइल ही वॉज अबाउट ही इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगन टेकिंग ऑफ द गियर केस। वह बोला कि जब वह मरम्मत कर रहा है तो मेरे भले के लिए ही है, वह साइकिल की चेन या जंजीर भी देख ले। और तुरंत उसने गियर बॉक्स अलग करना शुरू किया। आई डिड ट्राई टू डिसऑर्ड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वन सैड टू मी सोलमैनली। मैंने कहा कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने मुझे एक बार गंभीरतापूर्वक यह बताया था कि गियर बॉक्स में कोई खराबी आ जाए, If anything goes wrong with your gearbox, sell the machine and buy a new one. It comes. तो साइकिल को ही बेच देना बेहतर होगा और नई खरीद लेना चाहिए।
इट कम्स चीपर, क्योंकि वह काफ़ी सस्ती होती है, सस्ती पड़ेगी। ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। वह बोला कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, यदि गियरबॉक्स में कोई खराबी, कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं क्योंकि उन्हें इन मशीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। नथिंग इज ईजियर दैन टॉकिंग ऑफ गियर केस, गियर बॉक्स को अलग करना तो सबसे अधिक सरल काम होता है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मैंने मुझे स्वीकार करना पड़ा कि उसका कहना सही था। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, 5 मिनट के अंदर उसने सारे गियर बॉक्स को 2 भागों में बांट दिया। लेइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रू, वह रास्ते में पड़े थे और वह स्वयं पेच खोजने में जुटा था। ही सैड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड, वह बोला मेरी समझ में यह पहली कभी नहीं आती कि पेच इस प्रकार से कैसे गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कॉन्टिन्यूड टू विस्पर टू मी, मेरी सहज बुद्धि मुझे समझाती रही, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ्स, व्यक्ति और अधिक हानि पहुंचाए इससे पहले उसे रोक देना चाहिए। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम रिवेजेस ऑफ अ लुनेटिक, कि तुम अपनी सहमति, ऐसा करना तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी संपत्ति को किसी पागल व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ से बचाओ। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, इस व्यक्ति की गर्दन के पिछले भाग से पकड़ो और उसे गेट से बाहर निकाल दो। बट आई एम वीक, पर मैं कमज़ोर प्रकृति का हूँ। वैन इट कम्स टू हर्टिंग द पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल्ड ऑन, पर मैं जो कमज़ोर प्रकृति का हूँ मैं किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकता और इस प्रकार मैंने उसे साइकिल तोड़ने फोड़ने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, उसने बाकी पेच खोजने का काम रोक दिया। वह बोला पेच सदा ही हाथ लग जाते जब उनको खोजे पाने की कोई उम्मीद नहीं होती। ही सेड स्क्रू हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम एंड दैट नाउ ही वुड सी द टू द चेन, और फिर उसने चेन को सेट करने का विचार किया, उसने इसे इतना कस दिया कि चेन का चलना ही बंद हो गया। नेक्स्ट ही लूज इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, फिर उसने चेन को इतना ढीला कर दिया कि वह पहले की अपेक्षा दोगुनी ढीली हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंग अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, उसके बाद वह बोला कि हमें अब अगला पहिया अपने स्थान पर फिट करना होगा। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन एंड ही वरिड विद द व्हील, मैंने चिमटे को फैलाया और उसने पहिए को फिट करने की कोशिश की। एट द एंड 10 मिनट्स आई स्ट्रगल्ड, ही शुड होल्ड द फॉर्क, आखिर में हमने दोनों स्थान के आदान प्रदान कर लिया, दोनों को जगह एक जगह पर फिट कर दिया। आई शुड हैंडल द व्हील एंड वी चेंज प्लेस, और मैंने उसको एक जगह पर पकड़ा और उसको दोनों जगह पर फिट कर दिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, अंत में उसे अगले पहिए को अपने स्थान पर लगा दिया तथा जैसे ही वह काम पूरा हुआ वह जोर जोर से हंस पड़ा। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने पूछा हंसने की कौन सी बात है। ही सेड वेल आई एम एन एस, मैंने पूछा, वह बोला मैं तो गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड द मेड मी रिस्पेक्ट हिम,
यह उसके मुंह से निकला पहली बात थी जिसने मेरे मन में उसके लिए आदर पैदा कर दिया। आई asked हिम वॉट हैड led हिम टू द डिस्कवरी। मैंने पूछा वह खोज तुमने किस प्रकार कर ली। ही said, वी हैव forgotten द बॉल्स। वह बोला हम पहिए में छर्रे लगाना तो भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट। इट वॉज द लेइंग टॉपसी टर्वे इन द मिडल ऑफ द पाथ। मैंने अपने हैट खोजा वह रास्ते के बीच उल्टा पड़ा था। आई लुक्ड फॉर माई हैट हो गया तो ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। वह खुश मिजाज स्वभाव का था। वह बोला चलो हम जितनी भी गोलियां खोज सकें उतने तो पहिए में लगा दें और परमात्मा पर ईश्वर पर भरोसा रखें। वी फाउंड 11। हम लोगों को 11 छर्रे मिले। वी फाउंड 6 ऑन द वन साइड एंड 5 ऑन द अदर साइड। हम लोगों को 6 तो दूसरी जगह पर मिले और 5 दूसरी जगह पर मिले। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन द प्लेस अगेन। और करीब आधे घंटे के बाद हम लोगों ने प्लेस को व्हील को वापस से उसी जगह पर लगा दिया। इट नीड हार्डली टू एडिट दैट रियली डिड वॉबल नाउ। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि चक्र अभी भी हिल रहा है। यह चैन की कहने की ज़रूरत नहीं है कि पहिया जो है वो अभी भी हिल रहा है, वॉबल कर रहा है। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट। एक बच्चा वहाँ से दूर से हमें देख रहा था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। वह बोला अभी तो इससे ही काम चल जाएगा। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस ऑफ रियल यूज टू मी। मैंने कहा तुम्हें यह करते हुए देखकर मुझे बहुत लाभ हो रहा है। इट इज़ यू नॉट ओनली फॉर योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी। इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर एक्सप्लिसेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। मैंने कहा तुम्हें यह करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे कौशल में इतना बहुत ज़्यादा चकित या प्रभावित नहीं जितना कि तुम्हारे हसमुख आत्मविश्वास से, तुम्हारी आशावादिता से मैं इससे लाभान्वित हो गया हूँ। फिर उसके बाद द इनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। इस प्रकार उत्साहित होकर वह गियर बॉक्स को दोबारा जैसे स्थान पर फिट करने में जुट गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस। उसने साइकिल से को घर से सटा कर खड़ी कर दी। ही अगेंस्ट अ ट्री फ्रॉम द वर्कड ही अगेंस्ट द हाउस एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड देन ही स्टूड अगेंस्ट द ट्री। फिर वह साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ी करके एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड और बाईं ओर से काम करने लगा। देन ही हेल्ड इट फॉर हिम वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड इट एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ। और उसके बाद मैंने ही साइकिल उठाई और वह ज़मीन पर अपना सिर पहिए के बीच रखकर नीचे से काम करने लगा और तेल उसके ऊपर टपक गया। Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over onto his head. फिर उसने साइकिल मुझसे ले ली और उसके आर पार दोहरा ही हो गया। उसके संतुलन बिगड़ा और वह सर के और लुढ़क गया। तो बच्चों अभी हम लोग ये चैप्टर अभी यहाँ पर तक फिनिश करता हूँ। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया। अभी इसके अगला वाला वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पढ़िएगा इस चैप्टर को, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।